हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे स्कूटी में पेट्रोल लीकेज की प्रॉब्लम आ गई है। काफ़ी टाइम से मुझे पेट्रोल की हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक जब आवाज़ देखा तो इंजन के पास से पेट्रोल, इंजन के साइड में पूरा लगा हुआ था पेट्रोल। यहाँ से ये पेट्रोल लीक हो रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर केस में फ्यूल पाइप के डैमेज होने की वजह से ही पेट्रोल लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं फ्यूल पाइप चेक करूँगा और उस पाइप को चेक करने के लिए हमें ये वाला पार्ट्स रिमूव करना होगा। तो वो जो लीकेज है वो यहाँ से हो रहा है। ये देखिए, ये पाइप फट चुका है यहाँ पे और ये पाइप फ्यूल पाइप है। ये यहाँ पे काफ़ी डैमेज हो चुका है ये पाइप, तो मैं इसको ये जहाँ से डैमेज है उसके नीचे से यहाँ कट करके और फिर वापस इसमें लगा देना है। और अगर ये डैमेज आपका अगर यहाँ कहीं पे हुआ होता तो फिर आपको पाइप ही बदलना पड़ता। और जो ये लॉक है इसको वापस इसमें लगा देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।